which is used for the constructor, right? जो construction के लिए use होता है वो कहलाता है plot area, ठीक? अगर मैं कहूँ कि हमारे पास जो है 40x25 का कोई प्लॉट है, this is 25, this is 40, ये फीट में मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है? ठीक, तो ये हमारा टोटल जो एरिया है, ये हमारा क्या है, प्लॉट एरिया हो गया, ठीक है? सेकंड होता है बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप, BULTU, बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप एरिया क्या होगा? जहाँ पर बिल्डिंग बना रहे हैं। This is the constructed area. कौन सा? Constructed. जिसपे आपने construction कर चुके हैं, ठीक है? Area. Constructed area. Which includes thickness of wall. Thickness of wall, ठीक है? देखिएगा, सबसे पहले तो एक प्लॉट एरिया, कोई खाली जगह पड़ी थी, आप प्लॉटिंग प्लॉट खरीदने गए, आपको जो भी कोई बिल्डर है या जो भी हमारा क्या कहने चाहिए, जो प्रॉपर्टी हाउस डीलिंग का जो काम करता है, उसने जो आपको जो भी जमीन बेची वो क्या कहलाया? आपका प्लॉट डीलर। डीलर बेसिकली उन्हें रियल इस्टेट कहा जाता है, रियल इस्टेट के मार्केट जो होते हैं रियल इस्टेट कहा जाता है, ठीक है? प्रॉपर्टी हाउस और बाइंग जो करते हैं, ठीक है? ठीक, जिसने जो भी प्लॉट आपको भेजा वो कहलाएगा आपका प्लॉट एरिया, ठीक? और आप जितने पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जिसमें आपका वॉल थिकनेस इंक्लूड है उसे कहा जाता है बिल्ट अप एरिया, ठीक? देखिएगा, 25x40 का था कंस्ट्रक्शन, आपने किया केवल 35 बाय, ये 35 हो गया और ये 20 हो गया, 35 बाय 20 में केवल कंस्ट्रक्शन किया, ये कहलाया आपका बिल्ट अप एरिया, ठीक है? क्या कहलाया? बिल्ट अप एरिया। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर। प्लॉट एरिया एंड बिल्ट अप एरिया, ठीक? नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, इसको थोड़ा सा और तेज कर देता हूँ। नंबर वन, नंबर टू बिल्ट अप एरिया, नंबर तीन अच्छा एक और, इसके पहले एक और बता देता हूँ प्लिंथ एरिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? प्लिंथ एरिया, ठीक है? प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया क्या होता है, कोई बताएगा? सर जिसमें पूरी बिल्डिंग बनी होती, मतलब बाग जिस पर बाउंड्री होती है ना, वो कुर्सी कहते हैं एरिया को। राइट, प्लिंथ एरिया एंड बिल्ट अप एरिया ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है? लगभग सेम होते हैं, ठीक? बट प्लिंथ एरिया में डिफरेंस ये होता है कि आप जो भी एरिया मेजर कर रहा है वो किस लेवल पे मेजर कर रहा है, प्लिंथ लेवल पे। प्लिंथ लेवल समझते हैं ना, ठीक है? आपकी बिल्डिंग और हाउस का वो फर्स्ट स्टेप जहाँ से कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड प्लिंथ, प्लिंथ लेवल, ठीक है? विच इज सिमिलर टू बिल्ट अप एरिया, ठीक है? क्लियर है? यस सर, जो पार्किंग वगैरह के लिए स्पेस छोड़ा जाता है सर। राइट, ठीक है? अभी ओपन स्पेस बताऊंगा, ओपन स्पेस में आएगा कुछ चीजें। नंबर फोर इज कारपेट एरिया, कारपेट एरिया, ठीक है? कारपेट एरिया, डिफरेंस ये होता है बिल्ट अप एरिया एंड कारपेट एरिया में, है ना? कि बिल्ट अप एरिया में आपकी वॉल थिकनेस इंक्लूड है, कारपेट एरिया में आपकी वॉल थिकनेस इंक्लूड नहीं है। आप देखिएगा कैसे इंक्लूड नहीं है, केवल आप देखिएगा, ठीक है? एक कॉमन फिगर बनाया जा रहा हूँ मैं, उस फिगर के हिसाब से हम जो है दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं।
देखते जाइएगा ठीक है। राइट, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, फिगर शो हो रहा है ना आपको? फिगर शो हो रहा है? यस सर। चलिए थोड़ा सा मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चारों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने तीन चारों पॉइंट बताए हैं ठीक है, क्या डिफरेंस है ठीक। सबसे पहले देखिएगा, मार्किंग कर दे रहा हूँ, इसकी मार्किंग कर दे रहा हूँ ठीक है। आउटलाइन है, दिस पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी ठीक है। नाउ विद डिफरेंट कलर, दिस इज पॉइंट ई, दिस इज पॉइंट एफ, दिस इज पॉइंट डी, दिस इज पॉइंट एच। नाउ अगेन विद डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर ब्लैक ले लेते हैं। This is point I, J, K and F. ठीक, अब देखिएगा सबसे पहले प्लॉट एरिया बाजू में लिख दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं प्लॉट एरिया, हम जो है ब्लू कलर चूज कर लेते हैं, लाइट ब्लू प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया कौन सा हो जाएगा बताइए, इसमें से बाउंड्री बताइए सर, ए बी सी डी, ए बी सी डी ठीक है। प्लॉट एरिया समझ गए, प्लॉट एरिया कौन सा है ठीक। नाउ सेकंड इज बिल्ट अप एरिया, बिल्ट अप एरिया कौन सा हो जाएगा बताइए, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच राइट, क्लियर है? यस सर। नाउ कारपेट एरिया, जे आई जे एल के, आई जे एल के एल ठीक, क्लियर है? क्लियर है सर? यस सर। यस सर, तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब बाकी का जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ठीक है, इतने को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है विद येलो कलर है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। दिस इज कॉल्ड ओपन प्लिंथ एरिया, नॉट प्लिंथ एरिया, ओपन एरिया या ओपन स्पेस कह सकते हो ठीक है। ठीक है, ये प्लिंथ नहीं बताया हमने ठीक है, ठीक। प्लिंथ एरिया इज सिमिलर टू द बिल्डअप एरिया ठीक है, जहाँ से आपका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, ओपन स्पेस है ठीक है। क्लियर हो गया? yes, क्लियर हो गया ये ठीक है। yes, sir. अब कुछ थंब रूल है ना, कुछ सर प्लिंथ, सर प्लिंथ एरिया बता दीजिए। वो प्लिंथ एरिया जो भी इस कंस्ट्रक्टेड एरिया की जो आउटर लाइन दिख रही है आपको है ना, आउटर लाइन दिख रही है ना, मैं एक बार जो है फिर से दूसरे पेन के साथ आपको जो है आउटर लाइन मार्क करके दिखा रहा हूँ ठीक है। देखिएगा मैं जो है एक डार्क ब्लू कलर ले रहा हूँ, ये वाला जो आउटर लाइन है तो इतना जो एरिया कवर्ड होगा इस लाइन के साथ, ये कहलाएगा हमारा बिल्ट अप एरिया। क्लियर है? सॉरी, ये ठीक, ये कर्व बन गया है थोड़ा सा,
दिस इज नॉट अ कर्व, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है? ये जितना मैंने दिखाया ना, है ना, ठीक, इसमें ये जो एरिया दिख रहा है ना, जो मैं मूव करा रहा हूँ, है ना, yes, sir. ठीक है, ठीक, ये कहलाया हमारा बिल्ट अप एरिया, ठीक है, समझ गए सर? प्लिंथ एरिया पूरी, yes, ठीक है, प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया और बिल्ट अप एरिया सेम चीज है, ध्यान रखना, है ना, दोनों सेम चीज, लेकिन कभी कभार प्लिंथ को आप क्या है, घर के बाहर भी प्रोजेक्ट करके बना देते हैं, है ना, कुछ सीढ़ियां वगैरह आप लगाने के लिए जो है आप प्रोजेक्ट करके बना देते हैं, ठीक है, लेकिन प्लिंथ एरिया में बता दूं, प्लिंथ एरिया वो एरिया होता है या फिर वो लेबल होता है जहां से आपका कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं, है ना, जैसे बता दे रहा हूं, ये आपकी फाउंडेशन है, ठीक है, दिस इज योर फाउंडेशन, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, ठीक है, ग्राउंड लेवल में आपने क्या किया, एक प्लिंथ बीम डाल दी यहाँ से, ठीक है, क्या डाली, एक प्लिंथ बीम, है ना, प्लिंथ बीम आपने डाली और यहाँ से आपने पूरी इसमें मिट्टी भर दी, ठीक है, आपका कंस्ट्रक्शन इस लेवल के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है, इस लेवल के बाद शुरू हो रहा है, ये जो लेवल दिख रहा है आपको, इस लेवल के बाद शुरू हो रहा है आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसके ऊपर आपने वाल खड़ी कर दी, ठीक है, तो ये लेवल जो कहलाया हमारा प्लिंथ लेवल कहलाया, ठीक है, और इस लेवल पे जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, प्लिंथ एरिया, इज दैट क्लियर, द एरिया व्हिच इज मेजर्ड एट द प्लिंथ लेवल, ठीक है, वो एरिया जो प्लिंथ लेवल पे मेजर किया जाता है उसे कहते हैं हम प्लिंथ एरिया, डाउट क्लियर है सर? इसकी कुछ स्टैंडर्ड हाइट भी होती है क्या? स्टैंडर्ड हाइट भी होती है क्या प्लिंथ हाइट? हाँ, प्लिंथ की स्टैंडर्ड हाइट होती है, बट अलग अलग लेवल पे अलग अलग होती है। देखो, बेसिकली हमें ग्राउंड मॉइस्चर को प्रिवेंट करना होता है तो अलग अलग रखी जाती है, ठीक है, कोई स्टैंडर्ड ऐसी हाइट नहीं है। अगर आपको ग्राउंड का मॉइस्चर जो है काफी, जैसे राजस्थान की बात करें, भरतपुर में बात करें, तो ग्राउंड मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ लेता, तो यहाँ पे प्लिंथ लोग काफी हाई रखते हैं, ठीक है, तो अलग अलग होती है, ऐसी कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, हमने ये जो बता दिया कि बिल्टअप एरिया कौन सा है और कारपेट एरिया कौन सा है। अब देखो, हमने बिल्टअप एरिया में से जो भी वॉल थिकनेस है आपके घर की, आपके घर का जितना एरिया है, है ना, इंक्लूडिंग वॉल, उसमें से अगर आप वॉल थिकनेस घटा देते हैं, जितना एरिया बचता है वो कहलाता है कारपेट एरिया, क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए अब कुछ संपूर्ण हम देख लेते हैं, कुछ जो है बिल्डिंग बायलॉज क्या कहता है, है ना, बिल्डिंग बायलॉज क्या कहता है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं एरिया ऑफ प्लॉट, ठीक है, और यहाँ पे हम देख लेते हैं परमिसिबल बिल्ट अप एरिया, परमिसिबल बिल्ट अप एरिया, ठीक है। अगर एरिया लेस देन 200 मीटर स्क्वायर है, 200 मीटर स्क्वायर से कम है, तो आपको बिल्ट अप एरिया कितना होगा आपका, 60%, ठीक है। तो जेडीए की बात करें, यहाँ पे डीडीए की बात करें, वो आपको कितना अलाउ करेगा कि आपको केवल कितने पे कंस्ट्रक्शन करना है, आपका बिल्ट अप एरिया कितना होना चाहिए, 60%, क्लियर है। सेकंड बात करें, अगर 200 से 500 मीटर स्क्वायर है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा बिल्ट अप एरिया, 50% पे ही आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, ठीक है। अगर 500 से 1000 के बीच में है, कितना हो जाएगा, 40% पे ही आप कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, ठीक है। और अगर मोर देन 100 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो आप केवल 33% एरिया पे ही कंस्ट्रक्शन कर पाओगे, क्लियर है जी? ये कुछ रूल्स दिए गए हैं एज पर द बिल्डिंग बायलॉ, ठीक है, कुछ रेगुलेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नहीं है कोई प्रॉब्लम? नो सर। चलिए सर, कहीं कहीं 70% लेते हैं सर, इसमें 200 मीटर। देखो मैं बता दे, अलग अलग होती है, ये मैंने जो आपको बताया है ना, बिल्ट अप एरिया, ये मैंने टू स्टोरी तक बताया है ना,
टू स्टोरी, कितने टू स्टोरी तक के लिए बताया मैंने, ठीक है ठीक। अगर आप दो स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए अलग अलग के लिए अलग अलग होता है ये, कि मैं जनरल आइडिया बता रहा हूँ कि ये जो गाइडलाइंस कुछ आती हैं वो कौन रेगुलेट करता है, ये सारी जो है बिल्डिंग बायलॉज के अकॉर्डिंग, या फिर जो आपकी लोकल जो अथॉरिटी होती है वो बता देती कि इस एरिया में कितना जो है परमिसिबल कंस्ट्रक्टेड होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके चलिए, है ना, आगे देखते हैं। यहाँ पे दो मीटिंग चल रही हैं, दो मीटिंग कोई और भी चल रही है क्या? नहीं सर, वो पिछले मैम वाली अभी तक उस पे रखी हुई है, मतलब चल रही है, इसने एंड नहीं किया है मीटिंग, है ना। ठीक चलिए, वह है ना, कोई बात नहीं है, किसी ने एंड नहीं किया है मीटिंग को, ठीक चलिए, है ना। रिकॉर्डिंग आप में से कोई कर रहा है ना, रिकॉर्डिंग करते जाइएगा जो भी है, ठीक चलिए। Well, now come to the next point, that is floor area ratio or floor space index. ठीक, floor area, ये third हमने point देख लिया, तो कौन सा point था ये हमारा? Third point था, इसको marking अलग देनी पड़ेगी, चलो इसको हटा देते हैं अभी। Built up area, covered area, ठीक, length area, ठीक। Now come to the next point, that is fourth point. Fourth point. एरिया रेशियो, और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, क्लियर है? बताइए फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है और फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहें तो एपीआर, है ना। जब आप जब भी आप प्लानिंग में चले जाओगे तो जो प्लानिंग और आर्किटेक्चर होगा वो इसे पूरा नाम नहीं लेगा, वो क्या कहता है, एफएआर, ठीक है। शॉर्ट में कभी कभी पूछ लेता है एफएआर क्या होता है, तो फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है, राइट। चलिए बताइए, किसी को आइडिया है? किसी को आइडिया है व्हाट इज फ्लोर एरिया रेशियो और फ्लोर स्पेस इंडेक्स? अभिषेक, उद्यन सर, फ्लोर के अकॉर्डिंग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जैसे, तो उस पर हमें क्लोज रखना है, कितना ओपन रखना है, ऐसे क्या? नहीं सर, ये टोटल एरिया ऑफ यूजिंग और मतलब टोटल एरिया ऑफ स्पेस उसका रेशियो होता है सर। अच्छा सर, प्लॉट एरिया और वो बिल्ड अप एरिया का रेशियो? प्लॉट एरिया एंड बिल्ड अप एरिया, बिल्ड अप देखा। बताइए, थोड़ा सा आप लोग गलत जा रहे हैं। हमको बताइए, हमको किसी को आइडिया है? यस सर, टोटल एरिया, टोटल एरिया अपॉन प्लॉट एरिया इनटू 100। बहुत सही, बहुत सही, तुमने सही बताया, बट 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हम, ठीक है। बिल्डिंग एरिया अपॉन टोटल स्पेस साइज, तो एफएआर, लिसन, है ना, एफएआर इज द रेशियो ऑफ एरिया, ओ सॉरी, एरिया ऑफ ऑल फ्लोर टू द प्लॉट एरिया, प्लॉट एरिया, ठीक। इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है एफ ए आर, ठीक।
क्लियर है, एरिया ऑफ ऑल फ्लोर अपॉन प्लॉट एरिया। कैसे? अब देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए डायग्राम में, ठीक है, ये कोई एक बिल्डिंग है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मैं बनाया हुआ है मैंने, अगर इसको मैं काउंटिंग देता हूँ, नंबरिंग करता हूँ इसकी, नंबरिंग मैंने की, नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, फ्लोर है, ये हमारे क्या है, फ्लोर है। एक फ्लोर ये हो गया है ना, एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये हो गया, एक फ्लोर ये, और एक, ठीक है, हमारे कितने फ्लोर हैं, 5 फ्लोर, ठीक है, कितने फ्लोर हो गए, 5 फ्लोर। ये हमारा टोटल प्लॉट एरिया है ना, क्लियर है। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या हो गया, एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, एरिया ऑफ ऑल फ्लोर अपॉन प्लॉट एरिया, ठीक, वो हमारा कहलाता है एफआर। क्लियर है, क्लियर है, सर देवी तो होता है बेटा, तुम्हारी आवाज सर, टोटल सर, टोटल टोटल एरिया अपॉन बिल्ट अप एरिया भी तो होता है बेटा, बिल्ट अप एरिया नहीं होता है, वो प्लॉट एरिया होता है, ध्यान रखना है ना, ठीक, बिल्ट अप एरिया नहीं है, इट इज नॉट अ बिल्ट अप एरिया, ठीक, बिल्ट अप एरिया नहीं है, वो प्लॉट एरिया होता है, ठीक है, ठीक है सर। चलिए है ना, तो बेसिकली जनरली बात करें तो फ्लोर एरिया रेशियो की जो वैल्यू होती है जल्दी सामान्यता 1 से 2 के बीच में रखी जाती है, बट जो मेट्रोपोलियन सिटीज होती हैं जैसे मुंबई और पुणे की बात करूँ, मुंबई एंड पुणे की बात करें, ठीक है, या फिर बेंगलुरु की बात करें, या फिर दिल्ली की बात करें, ठीक है, तो ये रेशियो है वो जनरली 3 से 4 तक जा सकता है, ठीक है, ओके, और 3 to 5 में भी, 3 to 5, क्लियर है, क्लियर है। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, is that clear? Abhishek, yes sir, चलिए है ना, next point हम discuss कर लेते हैं building bylaw का, open space around the building, that is specific, ठीक है, open around the building, ठीक है, आप लोगों में से किसी ने लाइब्रेरी से कोई बुक निकलवाई थी बिल्डिंग प्लानिंग की, दिगंबर ने नहीं है सर, बिल्डिंग प्लानिंग की कोई भी बुक किसी ने कराई आप में से किसी ने, नो सर, किसी ने परचेस की कोई, नो सर, निकलवाई सर लाइब्रेरी से, किसने, ठीक है बेटा, उसमें देख लेना जो भी बिल्डिंग बायलॉज के जो भी रेगुलेशन दिए हैं ना उनका फोटो खींच के माइक्रो उसमें क्या बोलते हैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर देना एक बार, है ना, कौन सी राइटर की विक्रम कुमार रामा सिंह, अच्छा विक्रम कुमार की, ठीक है ना, उसका एक बार जो है शेयर कर देना, ठीक, और मेरे पास एक दूसरी बुक है मैं उसका शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो और जो भी रिमेनिंग पॉइंट होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी छूट रहे होंगे, ठीक है, अगर कोई पॉइंट छूटता है, ठीक,
चलिए हम बात कर रहे हैं ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है ठीक। सो नाउ सर्टेन ओपन स्पेस शुड बी लेफ्ट अराउंड द बिल्डिंग फॉर अ पर्टिकुलर रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ठीक है। अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो उसके अराउंड जो है हम कुछ ओपन स्पेस छोड़ देते हैं, ठीक है। क्यों छोड़ देते हैं कोई बताएगा? कोई बताएगा क्यों छोड़ देते हैं? वेंटिलेशन के लिए। राइट, वेंटिलेशन और पार्किंग वगैरह के लिए। पार्किंग वगैरह, ठीक है। सो ओपन एरिया प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पार्किंग, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ द रोड और फ्यूचर डेवलपमेंट, ठीक है। और कोई आप जो है वाटर सप्लाई या वाटर सैनिटरी लाइन कुछ भी आप डालना चाहते हैं, ड्रेनेज लाइन डालना चाहते हैं, उसके लिए कुछ स्पेस जो है अराउंड द बिल्डिंग वो छोड़ दिया जाता है, ठीक है। या तो आप पार्किंग के लिए छोड़ दोगे, या फिर आप जो है फ्यूचर एक्सपांशन के लिए छोड़ दोगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वहाँ जो है कोई रोड भी निकल रहा हो तो हो सकता है वो यूज कर लें आपका स्पेस। अगर आपने कुछ कंस्ट्रक्शन इलीगल कर रखा होगा तो उतार के आपका स्पेस यूज कर लेंगे, ठीक है ठीक। और अगर फ्यूचर में हो सकता है आपके यहाँ जो है कोई ड्रेनेज लाइन आपको डालना हो या ना घर में, या फिर कुछ जो है वाटर सप्लाई की लाइन डलवाना हो, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जो होता है वो आप छोड़ देते हैं अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है ठीक। सो आई होप अंडरस्टैंड हम क्यों छोड़ देते हैं ओपन स्पेस अराउंड द बिल्डिंग, ठीक। हम आगे बढ़ते हैं कि ये ओपन स्पेस जो है ना वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि हाइट कितनी हमें छोड़नी है ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है हमारी, और बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग हमें ओपन स्पेस कितना छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो कुछ जो है रूल्स हैं, कुछ वैल्यूज जो है बिल्डिंग बाय लॉज के अकॉर्डिंग दी गई हैं, तो हम इसको बता देते हैं कि हाइट कितनी है अगर, तो उसके लिए जो है ओपन स्पेस या फिर विड्थ ऑफ स्पेस जो है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक। अगर हाइट ऑफ बिल्डिंग की बात करें, यहाँ ले लेते हैं हम हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और यहाँ हम ले लेते हैं विड्थ, ठीक है, विड्थ ऑफ स्पेस, ठीक है। ये सारी मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। अगर 5 मीटर की हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है, तो उसके लिए 3 मीटर स्पेस छोड़ा जाता है करीब करीब, ठीक है। वहीं 6 मीटर की बात करें तो 3.33 मीटर छोड़ना पड़ेगा। 9 मीटर है तो उसके लिए 4 मीटर आपको स्पेस छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 12 मीटर है तो आपके लिए करीब करीब 4.7 मीटर छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ जो है ऐसे बढ़ता जाता है, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रक्चर की हाइट बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपको हाइट जो स्पेस है विड्थ ऑफ स्पेस जो है बढ़ती चली जाती है। अगर मैक्सिमम बात करें तो 24 तक जाता है, 24 मीटर तक की हाइट है अगर, तो उसके लिए करीब करीब 9 मीटर आपको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द थंब रूल, और आप इन्हें कह सकते हैं कि जो है किस तरीके से विड्थ ऑफ स्पेस जो है हाइट के साथ साथ बढ़ती जाती है, ठीक है। तो आई होप सर बिल्डिंग की हाइट सर आईएस कोड के अकॉर्डिंग भी तो लेते हैं। किसके अकॉर्डिंग? आईएस कोड के अकॉर्डिंग सर, आईएस कोड के अकॉर्डिंग। जब आप बिल्डिंग डिजाइन पढ़ोगे ना, तो उसमें पढ़ोगे आपकी जो है हाइट ऑफ स्ट्रक्चर हमें क्या रखनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हाइट ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, क्योंकि हमें जो है बहुत सारे फोर्सेस कंसिडर करने पड़ते हैं, है ना। जब आप जो है टॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें कुछ ट्रांसवर्स फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। जैसे ही आप टॉल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनमें ट्रांसवर्स फोर्सेस लगते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। ये बिल्डिंग डिजाइन का पार्ट होता है कि हाइट ऑफ स्ट्रक्चर क्या रखनी चाहिए, ठीक है। This is not a part of building planning, ठीक है? Okay. Next point हम जो है height वाला ही करने वाला हूँ, ठीक है? Height वाला point ही discuss करने वाला हूँ। Height of building क्या होनी चाहिए, ठीक है? Height of building, ठीक? So now come to the sixth point, height of building, ठीक है? Height of building, that is 6 point. बताइए height of building के बारे में क्या कोई बताएगा? कोई पता है? कुछ पता है आपको? कुछ पता है आपको?
कोई आइडिया है आपको? सर हाइट वगैरह तो स्पेसिफिक वो रखते हैं ना, कितनी स्टोरी की बनानी है, उतना वो नहीं रखते सर उस। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बिल्डिंग के लिए एक छोटा सा रूल है, ठीक है, जिसे हम जो है 45 डिग्री 63.5 डिग्री एयरप्लेन रूल कहा जाता है। प्लानिंग के लिए बता देते हैं हम 45 डिग्री एंड 63.5 डिग्री एयरप्लेन रूल, एयरप्लेन रूल अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है, एयरप्लेन रूल अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्या होती है। जैसे कोई दो बिल्डिंग्स हैं जिनकी कॉमन बाउंड्री है, देखो ये हमारी कोई कॉमन बाउंड्री हो गई, ठीक है, एक बिल्डिंग ये हमने बनाई हुई है, ठीक है, ठीक, और एक बिल्डिंग हमने ये बनाई हुई है, ठीक है, ठीक। तो 45 डिग्री वाला रूल क्या है, 45 डिग्री वाला रूल क्या है, कॉमन बिल्डिंग है ना, कॉमन बाउंड्री जो है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से लेके ये जो है, यहाँ से लेके इसके टॉप का एंगल जो है कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही इसका लेके ये कितना होना चाहिए, 45 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, सॉरी इसको मैं कॉमन बिल्डिंग लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर दे रहा हूँ, ये कॉमन बिल्डिंग लाइन हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है, कितना होना चाहिए 45। सर इसका मतलब तो सर बराबर हो जाएंगी ना बिल्डिंग दोनों, दोनों बराबर हो जाएंगे 45 पे रखोगे, इसलिए तो सेकंड रूल आया 63.5 डिग्री वाला। 63.5 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, जो बिल्डिंग जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसके लिए 63.5 रूल लगेगा, ठीक है, ठीक, इसके बेस से लेके, इसके बेस से लेके इसके टॉप का एंगल जो होगा वो कितना होगा, कितना होगा ये 63.5, क्लियर है ये, और ये कितना होगा इसके लिए, ये 45 हो जाएगा और 65 हो जाएगा, बताइए कितना होगा ये, बताइए 45 ही होगा सर, 45। और इन दोनों की ये कितना हो जाएगा, ये कॉमन लाइन हो जाएगी, कॉमन बाउंड्री लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब एक और देख लेते हैं, जहां कोई भी है ना बाउंड्री नहीं है, ठीक है, एक साइड स्ट्रीट लगी हुई है, इस तरीके की कॉमन बाउंड्री नहीं है, वहां क्या करोगे, वहां क्या करोगे, वहां केबल और केबल लगता है, पता है, वहां आप क्या करोगे, एक केस और होता है, आपने बिल्डिंग लगा ली लेकिन कोई बाउंड्री नहीं है, है ना, ये बिल्डिंग बना ली इसके आसपास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो क्या करोगे आप यहाँ से कितना 3 मीटर मेजर करोगे, 3 मीटर, कितना 3 मीटर मेजर करोगे, और यहाँ से आप एक 63 डिग्री का 63.5 डिग्री का एक एंगल बनाओगे, ये ठीक है, क्लियर है, जहाँ जाके टच कर जाएगा ये इस बिल्डिंग को वो इसकी हाइट होगी, क्लियर है, समझ गए ये दोनों रूल क्या है? सर ऊपर बाउंड्री किससे कंसीडर करेंगे, ऊपर कहाँ, ऊपर वाले केसेस में बाउंड्री किससे, मतलब बाउंड्री जो है किससे लेंगे कि इस बिल्डिंग से इससे करेंगे। देखो ये कॉमन बाउंड्री है दोनों बिल्डिंग्स की, है ना, ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है जो मैंने बताई, ये कॉमन बाउंड्री है, ठीक है, ये कॉमन बाउंड्री है, ठीक है, और ये नहीं, ये सर छोटी वाली बिल्डिंग बनाई है सर, ये हाँ, कौन सी, ये कौन सी है, ये कौन सी है, क्या पूछना चाह रहे हैं आप, मतलब सर ऐसे कैसे सेट करेंगे कि मतलब कॉमन, मतलब आसपास, मतलब ठीक है सर, मतलब जरूरी तो नहीं कि हर साइज अलग अलग भी, कोई वन स्टोरी बनी होती है, कोई टू स्टोरी भी। देखो ये बेसिकली हम एक चीज बताएं तुमको, ये मैंने जो कॉमन बाउंड्री बनाई है इंटरसेक्शन पॉइंट पे बनाई है हमने, है ना, समझ रहे हो, ये कॉमन बाउंड्री का कोई रूल नहीं है, है ना, कॉमन बाउंड्री का कोई रूल नहीं है, हमें केवल और केवल दो हाइट जो है, बेसिकली क्या होती है, हाइट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है एक बिल्डिंग का दूसरी बिल्डिंग के ऊपर,
है ना, एक बिल्डिंग का दूसरी बिल्डिंग के ऊपर देखोगे एक की हाइट बहुत ज्यादा है एक की हाइट बहुत कम है ना, जब भी इन पे जो है विंड का इफेक्ट देखोगे ठीक है, आप जो है साथ ही साथ सन कंसिडरेशन आप देखोगे, सन साइडिंग डिवाइसेस का कंसिडरेशन देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन दोनों का। इसलिए जो दो रूल आए हैं ठीक है कि अगर एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग के कंपेरिजन में कितनी ज्यादा है तो उस पर क्या फर्क पड़ने चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है, तो उसकी हाइट जो है छोटे के रिस्पेक्ट में कैसे डिसाइड की जाएगी ठीक है। मल्टी स्टोरी है ना, किसी ने पूछा कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हम बनाना चाह रहे हैं है ना, दोनों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग है अगर तो उनके बीच में प्रॉपर स्पेस होगा ठीक है, प्रॉपर स्पेस होगा उनके बीच में ठीक है, ऐसी बात नहीं है, प्रॉपर स्पेस होगा। और बाकी ये जो सारी चीजें डिसाइड करती हैं कितने फ्लोर होंगे कितनी हाइट होगी ठीक है, ये कुछ जो है अथॉरिटीज होती हैं है ना वो परमिट करती हैं ठीक है। ये तो मैं एक जनरल रूल बता रहा हूँ आपको लिए, इसके लिए कि कितनी हाइट रखनी है कितनी क्या है इसके लिए एक मैं बता दे रहा हूँ कोड होता है, कौन सा कोड, NBC है ना, एक कोड होता है NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ठीक है, ठीक है नेशनल बिल्डिंग कोड को आप डाउनलोड करिए, उसमें आप जो है वन बाय वन चीज पढ़ सकते हो ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा समझ रहे हो, जब चीजें क्लियर होगी ठीक है, नेशनल बिल्डिंग कोड NBC ठीक है, सारी चीजें आपको उसमें मिलेंगी ठीक है। तो आई होप यू क्लियर, जो दो रूल बताए मैंने हाइट के लिए वो क्लियर हो गए होंगे आपको ठीक है। चलिए हम जो नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाले हैं वो है साइज ऑफ रूम ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं साइज ऑफ रूम, साइज ऑफ रूम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साइज ऑफ रूम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारे बिल्डिंग में बेसिकली जो रूम होते हैं वो बहुत ही अलग अलग होते हैं, मतलब रूम की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज होती हैं, जैसे एक हैबिटेबल एरिया हो गया है ना, हैबिटेबल रूम होते हैं कुछ किचन होते हैं, किचन के लिए हाइट क्या होनी चाहिए विड्थ क्या होनी चाहिए ठीक है, बाथरूम के लिए क्या होना चाहिए ठीक है, जनरल बता देते हैं ठीक है, इनके लिए मिनिमम हाइट क्या होनी चाहिए या फिर मिनिमम साइज क्या होना चाहिए ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सेवेंथ राइट, सेवेंथ पॉइंट दैट इज साइज ऑफ रूम ठीक है, साइज ऑफ रूम, साइज ऑफ रूम की बात कर रहे हैं ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम हैबिटेबल रूम है ना, हैबिटेबल रूम मतलब जहां पे आप अधिकतम रहते हैं ठीक है, हैबिटेबल रूम ये आपका जो है बेडरूम भी हो सकता है ठीक है, और आपके जो है लिविंग रूम भी हो सकता है ठीक, तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं ठीक है। जो हैबिटेबल रूम्स होते हैं इनकी हाइट जो है बेसिकली इनकी जो हाइट है 2.75 मीटर से है ना, फ्लोर से लेके सर फ्लोर से सीलिंग तक का हाइट जो है कितने से कम नहीं होना चाहिए हाइट इसके लिए कह रहा है 2.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए ठीक है। ये किसके लिए है बता रहा हूँ मैं, है ना, जिनमें एसी नहीं लग सकता ठीक है, नॉन एसी वाले ठीक है, नॉन एसी ठीक है, नॉन एयर कंडीशनिंग वाले के लिए। अगर एयर कंडीशनिंग की बात करता है तो ये हाइट घट जाती है ठीक है, हाइट घट जाती है 2.4 मीटर तक ठीक है, बट नॉट लेस देन 2.4 मीटर ठीक है एसी के लिए। क्यों, एसी और नॉन एसी का क्राइटेरिया इसलिए कि अगर हाइट ज़्यादा होगी ठीक है, तो आपके फ्लोर की अगर हाइट ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा हीटिंग कम होगी ठीक है, रूम की हीटिंग कम होगी ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट, यस सर। ओके नाउ कम टू द साइज, तो यार 9 फीट हो गया सर इसमें, बहुत क्या हो गया
सर गर्मी आएगी इसमें तो सर, इसकी हाइट तो बहुत नीचे है, बहुत कम है, 9 फीट के अलावा हो गया। हाँ हाँ 9 फीट हो गया करीब करीब, 9 फीट 10 फीट है ना। देखो जब दिन में एसी लगा रहेगा उनमें जो है, आप फैन नहीं लगा रहे हो ना, उनमें फैन यूज नहीं कर रहे, इसलिए मैंने एसी टर्म लिखा है, ठीक है। सीलिंग में आप जो है सीलिंग इधर ऊपर वाला 2.75 मीटर कितना हो गया बताइए हमको सर, 9 फीट होगा, 9 पॉइंट तो ये मिनिमम है भाई, 9.075 9 फीट हो गया करीब करीब, ठीक है। तो 9 फीट आई थिंक इज सफिशियंट है कि नहीं है, 9 फीट 10 फीट तक तो देखो, जब भी हम 10 फीट तक बना लेते हैं, देखो इससे कम नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आप जो रखना चाहते हैं 10 फीट सर, कम से कम 10 फीट तो होना ही। देखो ये रूल्स हैं, एनबीसी के रूल्स हैं, आप इससे कम नहीं रख सकते हैं, इसके ऊपर आप जो है रख सकते हो, ठीक है। लेकिन हम अपने ऑल पर्पस के हिसाब से देखते हैं, सभी पर्पस के हिसाब से देखते हैं, तो हमारी जो है 10 फीट के ऊपर ही रखनी पड़ती है हमें करीब करीब, 10 से 12 फीट के बीच में, एम आई राइट, 10 से 12 फीट के बीच में रखनी पड़ती है, ठीक है। ठीक, फॉर हैबिटेबल के लिए नॉट लेस देन 2.75 मीटर, ठीक है। दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग बता रहा हूँ, ये लोवेस्ट पॉइंट है किसी भी सीलिंग का, ठीक है। अगर आपने कुछ इस तरीके से बनाया रखा है किसी कॉर्नर में, है ना, अगर ये सीलिंग है, अगर कुछ इस तरीके से यहाँ कुछ पार्ट बना रखा है, ठीक है, और आप हाइट यहाँ से मेजर कर रहे हैं, तो ये वाली हाइट की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2.75 मीटर, दिस इज द लोवेस्ट हाइट, ठीक है। इससे ज़्यादा ही होगी ये तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट, ठीक है, वही हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वही हम बात करते हैं साइज की, साइज मतलब एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हैबिटेबल रूम होते हैं, इनका एरिया जो है 9.5 मीटर एज पर द एनबीसी जो है 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 9.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वेयर देयर इज ओनली वन रूम विथ मिनिमम विड्थ 2.4 मीटर, ठीक है, राइट। जहाँ की विड्थ जो है, वर एक रूम बनाना चाह रहे हो और उसकी विड्थ जो है मिनिमम 2.4 मीटर होना चाहिए, वो उसके लिए एरिया कितना देना पड़ेगा, ऐसा रूम जिसकी विड्थ 2.4 मीटर है उसके लिए मिनिमम एरिया 9.5 मीटर स्क्वायर रखना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। ठीक, वहीं आप दो रूम बनाना चाह रहे हो, है ना, अगर आप कोई दो रूम बनाना चाह रहे हो, ठीक है, वेयर देयर आर टू रूम्स वन सेल नॉट बी लेस देन 9.5, अगर ये एक रूम की बात की जहाँ आप दो रूम बना रहे हैं 1+1, तो वहाँ पे एक रूम को आप 9.5 मीटर रख सकते हो मीटर स्क्वायर, वहीं आप सेकेंड रूम को जो है 7.5 मीटर स्क्वायर तक रिड्यूस कर सकते हो, ये टू रूम की बात कर रहा हूँ, बट विड्थ शुड नॉट बी लेस देन 2.4 मीटर, इज दैट क्लियर, ये एनबीसी कहता है, ठीक है। नेशनल बिल्डिंग कोड जो है ना, कुछ रूल्स जो उसने बताए हैं कि ऐसे रूम जहाँ पे आप केवल एक रूम बनाना चाह रहे हैं और उसकी विड्थ 2.4 मीटर है, तो रूम की साइज जो है 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए, पर जहाँ आप दो रूम बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों रूम की जो विड्थ है, मिनिमम विड्थ है, वो 2.4 मीटर है, वहीं पे आप एक रूम 9.5 मीटर स्क्वायर का रख सकते हैं, दूसरा रूम 7.5 मीटर स्क्वायर का रख सकते हैं, इज दैट क्लियर। ठीक, और बाकी इसके ऊपर आपकी जो मर्जी है, आपकी जो सूटेबिलिटी है आप बना सकते हैं, ठीक है, बट इससे कम नहीं होना चाहिए हैबिटेबल रूम के लिए। आई होप यू क्लियर, ठीक है। नाउ कम टू द किचन, ठीक है, किचन की बात कर लेते हैं, किचन, ठीक है, किचन के लिए मिनिमम हाइट वही रहेगी, ठीक है, 2.75 मीटर जो हम डिस्कस करते हैं, इससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2.75 मीटर, ठीक है, इससे ऊपर आप बना सकते हो, ठीक है, और वहीं
ये हाइट हो गई और साइज की बात करते हैं, साइज और एरिया की बात करते हैं, ठीक है, तो शुड नॉट बी लेस देन शुड नॉट बी लेस देन 5.5 मीटर स्क्वायर, जितना मिनिमम एरिया अपन को चाहिए चाहिए, विड्थ कितनी होनी चाहिए उसकी, सॉरी वहीं विड्थ की बात करते हैं, 1.8 मीटर आपको रखनी पड़ेगी, ठीक, अगर आप विड्थ 1.8 मीटर रखते हैं तो आपको मिनिमम एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर चाहिए किचन के लिए, Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. जहाँ आप सेपरेट सर कितनी लेनी पड़ेगी किचन के लिए, क्या है किचन के लिए क्या पूछ रहे हैं आप, ठीक, इसमें एक पॉइंट और है, एक पॉइंट ये है, जब आप स्टोर अलग से बना रहे हैं, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट स्टोर सेपरेटली, स्टोर रूम आप अलग से बना रहे हैं, ठीक है, वहीं पे ये साइज घट के कितना रह जाएगा, 4.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, अगर आप स्टोर रूम सेपरेटली बना रहे हैं, ठीक है, सेपरेटली अगर आप बना रहे हैं स्टोर रूम, तो ये हम जो है एरिया कम कर सकते हैं किचन का, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट, बाथरूम का साइज क्या होना चाहिए और वाटर क्लोजेट का क्या साइज होना चाहिए, हाइट की बात करें, इनके लिए हाइट कम हो जाती है ना, बाथरूम और वाटर क्लोजेट के लिए अराउंड 2.2 मीटर, हाइट शुड नॉट बी लेस देन 2.2 मीटर, ठीक है। वहीं साइज की बात करते हैं, द साइज शुड नॉट बी लेस देन 1.2 मीटर बाय 1.5 मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए साइज, एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड डब्ल्यू सी की बात करें, वाटर क्लोजेट, ये तो बाथरूम हो गई, डब्ल्यू सी की बात करते हैं, वाटर क्लोजेट के लिए जो एरिया है मिनिमम 2.8 मीटर स्क्वायर होना ही होना चाहिए, ठीक है, एज पर द एनबीसी, ठीक है, 2.8 मीटर विड्थ, विड्थ कितनी होनी चाहिए, DWDTH, विड्थ जो है 1.8 मीटर, इतनी विड्थ होनी होनी चाहिए, ठीक है, इज इट क्लियर। वहीं मैं WC के लिए बात करें तो उसके लिए फ्लोर एरिया शुड बी 1.1 मीटर स्क्वायर, अगर मैं फ्लोर एरिया की बात करता हूं तो इसके लिए फ्लोर एरिया कम से कम कितना होना चाहिए, 1.1 मीटर स्क्वायर होना ही चाहिए, ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक, इतना क्लियर है, यस सर। चलिए अभी एक असाइनमेंट नोट करिए आप लोग, ठीक है, असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट, ठीक है, चलो क्लासरूम पे भेज देना असाइनमेंट, असाइनमेंट, हाँ नहीं क्लासरूम में तो भेज ही दूंगा, बट एक बार नोट कर लो इसे, ठीक है, क्लासरूम में ऑफिशियल भेज दूंगा मैं, अभी एक बार नोट कर लो, ठीक। क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट साइज, व्हाट आर द डिफरेंट साइज ऑफ, different size of room की different size क्या हो सकती है, oblique kitchen, ठीक है, oblique hall, ठीक है, veranda, ठीक है, ठीक, etc. इनके लिए डिफरेंट साइज क्या हो सकती है या फिर स्टैंडर्ड साइज क्या हो सकती है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज क्या हो सकती है वो आपको लिख के नोट करनी है कि एक रूम की साइज जो है क्या क्या हो सकती है, ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्शन अभी जो प्लानिंग करेंगे हम, है ना, लैब वाले पोर्शन में आपको प्लानिंग करने के दूंगा तो आप जो है कितना कितना एरिया का बना सकते हो, ठीक है, आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से, तो रूम की साइज क्या क्या हो सकती है, किचन की साइज क्या हो सकती है, हॉल की साइज क्या होती है, बरामदा की साइज क्या हो सकती है, डाइनिंग रूम की साइज क्या हो सकती है, है ना, पूजा घर की साइज क्या हो सकती है, डब्ल्यूसी की साइज क्या हो सकती है, ठीक है, बाथरूम की साइज क्या हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट जो है आपको वो लिख के लाना है, ठीक।
इतना क्लियर है यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए यस सर। ठीक है, थैंक यू क्लास, हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक, इसमें दो पॉइंट और। ओके सर, थैंक यू। दो पॉइंट और बच गए हैं, दो पॉइंट और डिस्कस कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सैनिटेशन वाला अकेला प्रोविजन बचा है। ठीक है, सैनिटेशन का। ठीक सर, बिल्डिंग प्लानिंग की कोई बुक हो तो सर पीडीएफ भेज दीजिए। हाँ, मेरे पास बुक है, मैं उसका पीडीएफ बना के भेज दूंगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। और आप में से जो दिगंबर रिकॉर्डिंग की है ना तुमने, इसका जो लिंक है मुझे भेज देने के बाद। ठीक है, ओके सर। ठीक, चाहे पर्सनल नंबर पे भेज देना मुझे। ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक,